आरिका श्री 105 विभूत मती माताजी सत्संग के सानिध्य में 5 से 11 अगस्त के मध्य रक्षाबंधन विधान का आयोजन हो रहा है, जिसकी शुरुआत ध्वजारोहण के बाद दीप प्रज्वलन से हुई। 4 अगस्त को श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन श्रावक श्राविकाओं ने छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में सम्मेय शिखर की कृत्रिम रचना कर निर्वाण लाडू भी अर्पित किया। पैठण से 64 किलोमीटर दूरी पर स्थित महाराष्ट्र संभाजी नगर के जटवाड़ा स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर की मूल नायक वेदी में विराजमान श्याम वर्ण की प्रतिमा कसौटी पत्थर से बनी प्रतीत होती है। यहां के मान स्तंभ में विराजमान चतुर्मुखी खड़गासन प्रतिमाएं मान स्तंभ की विशेषताएं मानी जा सकती हैं। सनावद मध्य प्रदेश स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण लाडू महोत्सव भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने पूजन कर प्रभु चरणों में लाडू अर्पित किया। मोक्ष सप्तमी के अवसर पर जैन मंदिरों में जैन संतों के सानिध्य में भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महोत्सव मनाया गया। इसी क्रम में कर्नाटक के हुमचा स्थित मां पद्मावती देवी जैन मंदिर में स्वस्ति भट्टारक देवेंद्र कीर्ति महास्वामी जी के सानिध्य में परिक्रमा करने के बाद भक्तों द्वारा 23 किलो का लाडू प्रभु चरणों में अर्पित किया गया। राजस्थान के रामगंज मंडी स्थित कैथुली में भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक महोत्सव के अवसर पर श्री पार्श्वनाथ विधान किया गया, जिसमें अतिथियों के सम्मान के बाद भक्तों ने विधान की मांगलिक क्रियाएं संपन्न करते हुए प्रभु चरणों में निर्वाण लाडू अर्पित किया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में प्राप्त मंदिरों के अवशेष और पाषाण की जैन प्राचीन प्रतिमाएं आज भी उपेक्षित हैं। मान्यता है कि ये स्थान महाभारत काल में विराट नगर के नाम से जाना जाता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां हर रोज खुदाई में प्रतिमाएं निकलती रहती हैं, जिन्हें मंदिर के अवशेषों के साथ ही रखा गया है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाणोत्सव पर उत्तर प्रदेश आगरा के देवनगर स्थित श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में स्थानीय जैन समाज ने प्रभु की पूजा आराधना करने के बाद प्रभु पार्श्व के चरणों में निर्वाण लाडू अर्पित किया। उत्तर प्रदेश सहारनपुर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 4 अगस्त को मोक्ष सप्तमी के पावन अवसर पर भक्तों ने भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में निर्वाण लाडू अर्पित कर पुण्यार्जन किया।